माय डियर फ्रेंड, सैटरडे का जो रोजगार मेला था उसके उस दिन में जो भी रिक्वायरमेंट्स आई हैं और सैटरडे संडे को जिन कंपनीज में बात हुई और जो करंट में नहीं आई हुई हैं उनके लिए मैं पहली बार आपको ब्रीफ कर दूं। एक अभी सिग्मा स्लॉटिंग में प्लांट हेड की रिक्वायरमेंट है। प्लांट हेड का जो पैकेज है वो 40 to 60 जा सकता है, एवरेज 50 मान करके चलिए जो पैकेज जा सकता है। मैकेनिकल बैकग्राउंड का पैकेज है जिन्होंने प्लांट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कि डायरेक्टर की एब्सेंस में पूरे प्लांट को मैनेज कर सके, कुछ भी देखना डायरेक्टर को नहीं पड़े। जो रैक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिग्मा स्लॉटिंग, इसमें प्लांट हेड की रिक्वायरमेंट है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जिनको ये लगता है कि वो प्लांट हेड की चीज़ों को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, वो प्लांट हेड की चीज़ को में अप्लाई करके आज और कल में उनका इंटरव्यू लाइनअप किया जा सकता है। इसके अलावा सैमसंग में जो आज नाम है, सैमसंग में पंकी साइट में आज एक सेल्स के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी सेल्स के लोग हैं वो 20 के पैकेज में आ सकते हैं, TA DA उन्हें अलग मिलेगा। अगर जूनियर सेल्स में भी हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो 10 से 12 or 15 के बीच में आ सकते हैं। सीनियर कैंडिडेट 20 तक जा सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आज 10 से 2 के बीच में उनके आज इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे। साइन लेदर में जो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हैं और ये जाजमो के पास की कंपनी है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जिनको GST तक आता है, GST भी मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए आज ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉर्मली 12 से 3 आज प्लान किया गया है इन भेजने के लिए। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फिजिकली आ करके या फ़ोन से बात करके वहाँ का एड्रेस ले सकते हैं, किनसे मिलना है बात कर सकते हैं। हाईटेक में जाजमो में रिक्वायरमेंट है 2 तरह मेल और फीमेल मर्चेंडाइजर की। मेल फीमेल मर्चेंडाइजर में जो प्रोडक्शन में भी जिन्होंने काम किया हो और जो अलग अलग क्लाइंट से मिलकर के मर्चेंडाइजिंग का रोल निभा रहे हैं उनको भी इसमें किया जा सकता है, जिनका एक्सपीरियंस है फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री में। आज उसको 12 से 3 शेड्यूल किया गया है। BKM में इसमें पहले एक प्राइमरी बेसिस में इलेक्ट्रीशियन चाहिए जो 3 फेज पैनल वर्क कर सकता हो, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है और उन कैंडिडेट्स को हम लोग आज भेज सकते हैं। बट उसके लिए पहले उनको 3 जो एक्सपीरियंस है वो एक मेंशन कराओ रिज्यूमे में, और रिज्यूमे अभिषेक सर का जो नंबर है उसमें उन्होंने फॉरवर्ड किया हो। एक श्री कृष्णा रोडवेज में रिक्वायरमेंट नहीं आई है, ट्रांसपोर्ट नगर में रिक्वायरमेंट है। इसमें GST के साथ में अकाउंटेंट चाहिए, क्लर्क हैविंग नॉलेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का चाहिए, और जो मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव है उनको चाहिए। आज वो 1 से लेकर के दोपहर 5 बजे तक उनको लाइनअप किया जा सकता है। AGPO मैनेजमेंट सर्विसेज में जो रिक्वायरमेंट अभी बची है मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर की बची है, ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर हों वो आज इस इंटरव्यू के लिए 12 से 3 के बीच में जा सकते हैं। ओम ट्रेडिंग में एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें फीमेल सुपरवाइजर चाहिए, दादानगर में 10 से 2 बजे के बीच में इंटरव्यू है। वो लोग यहाँ पर आकर के जो फीमेल इंटरेस्टेड हैं दादानगर में करने के लिए वो आकर के एक बार मिल सकती हैं, या आपके रेफरेंस में कोई है उनको आप बता सकते हैं। RCM इंडस्ट्री में कैनाल रोड में एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें टेक्नीसियन जो केमिकल स्पेशली ETB प्लांट में जिनको जरूरत होती है उस तरह के केमिकल को सेल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड टेक्नीसियन टू सेल केमिकल मेनली ETP मर्चेंडाइजर इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए फॉर लेदर एंड लेदर गुड्स के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इनके लिए पहले रिज्यूम आपको फॉरवर्ड करना है, रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होने के बाद में उनको वहाँ पर इंटरव्यू में लाइनअप किया जाएगा। ट्यूब कंपनी है, हमें ट्यूब कंपनी में लाठूस रोड में इनको जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। जो लोग एंट्री लेवल पे बिलिंग लेवल पे जानते हो वो कल 4 बजे इंटरव्यू के लिए उनको जाना है, वो एक प्लान करके आ सकते हैं। एक जो कंपनी है खासतौर से गडरियन पुरवा में कानपुर में, यहाँ पे एक शोरूम मैनेजर चाहिए जिनको सेल परचेज फिनांस और कमर्शियल व्हीकल की रिक्वायरमेंट हो, उनको आज 4 से 6 के बीच में भेजा जा सकता है। डिजिटल कंपनी है जिसमें इमीडिएटली काकादेव में है, इनमें PHP और एंगुलर डेवलपर विद डिजाइनिंग डेवलपमेंट जिनके पास नॉलेज है वो आज जा सकते हैं। SG इंडस्ट्री में जो नॉर्मल सुपरवाइजरी का काम कर सकते हो उनको आज इंटरव्यू के लिए जाना है, इमीडिएट वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अनुराधा ऑटोमेशन में जिनके पास एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन है, हैविंग नॉलेज अबाउट मोटर वर्क जिनको है, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू वो जा सकते हैं। जिंदल पावर में इमीडिएटली जो फीमेल फ्रंट ऑफिस में रेप में के पास में तिलक नगर में वर्क कर सकती हैं, फ्लुएंसी इंग्लिश में है, उनके पास में रिज्यूम पहले वो अपना फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में भेजा सकता है। बारा देवी में नेटवर्क एडवर्टाइजिंग में जिनको एक्सेल और पावर पॉइंट आता है वो फीमेल इमीडिएटली इंटरव्यू में जा सकती हैं। SD फूड में जिनको बैक ऑफिस SD फूड में जो अकाउंटेंट हैं जिनको GST आता है वो 15 से 20 के पैकेज में जा सकते हैं।
जीटेक में जो नवाबगंज में, इसमें कंप्यूटर नॉलेज और टेलीकॉलर की फीमेल बैक ऑफिस की जरूरत है, कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है। रावतपुर के पास में जो एक कंपनी है मैंगोवाई फूड, उसमें इलेक्ट्रीशियन और बैक ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। दारानगर में फीमेल अकाउंट्स कैंडिडेट चाहिए जो नॉर्मली जूनियर लेवल पे हो, जीएसटी नहीं भी आता हो बट अकाउंट्स का काम किया हो, वो एक रिक्वायरमेंट में जा सकते हैं। एचआर मैनेजर में 25 से 30 के पैकेज में महिंद्रा में रिक्वायरमेंट है, वो अपने रिज्यूम को वहाँ पे शेयर करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं रूमा में। स्वास्तिक माइक्रो में कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर की सेल्स कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, 10 to 15 का पैकेज हो सकता है, आधार कार्ड पैन कार्ड सेम हो, साथ ही साथ में उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस का भी हो और इन एरियाज में जो वर्क करने के लिए रेडी हो वो जा सकते हैं। किदवई नगर में रिक्वायरमेंट एक है फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर की, बेसिक जिनको नॉर्मल टैली और बिलिंग और अकाउंट्स का आता हो बट पास की इधर की एरिया की हो, वो उनके यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कार में एक्सपीरियंस सेल्स के बनते हैं, कार शोरूम में या ऑटोमोबाइल डीलर में जो रहे हैं, वो इमिडिएटली सेल्स के लिए महिंद्रा में आज इंटरव्यू पे जा सकते हैं। जो MIS एक्सिक्यूटिव हैं, जिनको अकाउंट्स की भी नॉलेज है, उनको आज MP बिरला में दोबारा से भेजना है। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन प्लस टैली ऑपरेटर JQ फॉर्जिंग लिमिटेड में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। प्लांट हेड की रिक्वायरमेंट आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, जो आपको बता भी चुका हूँ। इसके अलावा कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं, कपिला पशु आहार में लॉजिस्टिक प्रोफाइल के लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। CA की रिक्वायरमेंट 40 से 60 के पैकेज की और CA प्लस इंटर के 60 के पैकेज की लगातार रिक्वायरमेंट बनी हुई है। जो BK पैकवेल में रिक्वायरमेंट है, स्टोर का बंदा अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, पूरा स्टोर मैनेज कर सकता है और एक्सपीरियंस है, वो जा सकता है। क्वालिटी हेड में रिक्वायरमेंट अभी RVP स्वरूप में है, जिस रिक्वायरमेंट में आप इमीडिएट भागीदारी कर सकते हैं, इसका पैकेज 40 से 60 का पैकेज है। इनके अलावा अगर आप बात करिए फीमेल में, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई हैं जहाँ पे प्यून हेल्पर में, हेल्पर में 8,500 में लगभग, प्यून में 8,500 के लगभग में, 6 से 9 के बीच के पैकेज के, ड्राइवर में लगभग ऐसी कई रिक्वायरमेंट हैं जिसमें भेजा जा सकता है। एरिया जरूर सबका अलग अलग है, इसलिए जो इस प्रोफाइल में है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है वो किस एरिया से हैं। पंकी में लगातार कई ऐसी रिक्वायरमेंट बनी है जिनको बेसिक कंप्यूटर भी आता हो फीमेल में, उन्हें इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकती हैं। जो फ्रेशर कंप्यूटर की जिनकी अच्छी नॉलेज है वो HR ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट लगातार बनी हुई है, इन रिक्वायरमेंट में आप आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में HR की रिक्वायरमेंट के इंटरव्यूज हो चुके हैं, कुछ और इंटरव्यूज बचे हैं जिनको 45-50 के पैकेज का, जिनको एक्सपीरियंस पुराना है तो वो भी अपना रिज्यूम को शेयर कर सकते हैं। अभी जो और रिक्वायरमेंट बची हैं जिनमें मैंने आपको पिछले वीक जो पूरी नहीं हो पाई थी उनके आप जरूर वीडियो को देखते रहिए, वो भी चल रहे हैं। कड़क फैमिली में अभी कैप्टन की, अकाउंटेंट की, हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। लगातार कुछ जगह से हेल्पर, प्यून, ड्राइवर, गार्ड, ये भी रिक्वायरमेंट आना चालू हुई है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करिए, नंबर्स दीजिए, उन नंबर्स में एक बार सब लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं। हम बहुत लोगों की जो एजुकेटेड नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कंपनीज जो मांग रही हैं किसी को हेल्पर चाहिए, किसी को प्यून चाहिए, किसी को ड्राइवर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट हमारे पास चूंकि कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, शिक्षित या तो BTech वाले हैं या तो ITI डिप्लोमा होल्डर वाले हैं, इन सब की रिक्वायरमेंट लगातार बनी है। इवन बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो अभी आपसे शेयर नहीं हुई, पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको लिए भी आप जरूर ध्यान दीजिए, पुराने वीडियोज़ देखते रहिए और कई लोगों को बताते रहिए। अभी रिटेल में अगर आप करिए तो अभी फैशन, एक अदा फैशन है, उसमें रिटेल सेल्स की रिक्वायरमेंट है। रुद्रा रियल एस्टेट में भी रिक्वायरमेंट है नियर बाय लोकेशन की, जिनको टैली वगैरह आता हो। कई मैंने रिक्वायरमेंट आपसे डिस्कस करी है, साफ तक जो मुझे और रिक्वायरमेंट समझ में आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम ऑफिस में आकर के जानकारी लीजिए, वेब पोर्टल को देखते रहिए, 4 लोगों को और बताते रहिए। कम से कम एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को बताएगा कि ये जॉब रिक्वायरमेंट बची है तो डेफिनेटली उन सबका भी फायदा होगा, घर में दुआएं मिलेंगी और आपके जॉब के लिए ब्लेसिंग्स भी काम करती है, आपका इसमें विश्वास बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम शेयर करिए, ये बताइए जरूर, जिससे कि लोगों के पास में जॉब हो पाए। और मुझे आज ऐसा लगता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट है बट लोग सही टाइम में पहुंच नहीं पा रहे, सही जगह इंटरव्यू नहीं दे पा रहे, वो जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है, जिस दिन ज्वाइनिंग हो रहा है, वो अपनी कई चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले इस टाइम पे कोरोना के बाद में अपनी जॉब को प्रायोरिटी दें, जब इंटरव्यूज हैं इंटरव्यूज दें, अपनी और जो प्रायोरिटीज हैं उनको थोड़ा सा कम करते चलें, जिससे कि आप सही जगह पर फोकस हो कर पाएं। जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं
उनके लिए भी जरूरी है कि लगातार पोर्टल को देखें, लगातार चीजों को समझें। टेक्निकल में टर्नर वेल्डर जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग टर्नर वेल्डर हो सकता है फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं देख रहे हो, आपके रेफरेंस में कोई अगर है तो उनको बता दीजिए। कई लोगों की ऐसी जरूरत हो सकती है जहाँ पे हो सके, जहाँ पे जॉब के लिए जा सकते हैं। कम मैरिड लोग हैं, कम पढ़ी लिखी लेडीजें हैं, उनके लिए पंक्ति में 5 से 6 चाहिए। मास्क प्लांट एक है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट लगातार बनी हुई है। टर्नर सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली कम से कम 10-10 रिक्वायरमेंट बनी हुई है। जूनियर अकाउंटेंट की बनी हुई है, इनको आप देखिए तो मैं कंपनियों के सारे नाम नहीं ले सकता, कम से कम 12 से 14 रिक्वायरमेंट आज भी बनी है। एरिया जरूर अलग अलग है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग सभी एरियाज के लोग जो जहाँ जहाँ से भी आ रहे हैं वो कम से कम मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, अभिषेक सर का नंबर शेयर कर सकते हैं, अभिषेक सर का नंबर शेयर कर सकते हैं, कि वो सबको पता चले, जिससे कि जॉब में सबको लगना चालू और हम उस दुआ में भागीदारी करें। थैंक यू फॉर टुडे जॉब न्यूज़।